हेलो नमस्कार, मैं शालिनी साजवान स्वागत करती हूँ आपका डीकेटी में। आप अपने ऑफिस में या अपने सराउंडिंग में किसी को जानते हैं जिसके साथ सब काम करना पसंद करते हो? कोई ऐसा जिनसे आपके सीनियर्स भी कंसल्ट करते हो, आपके टीम मेंबर्स भी एडवाइस लेने के लिए उनके पास जाते हैं, और ऐसा जिसके पास हर प्रॉब्लम के सोल्यूशंस हो? ऐसा कौन हो सकता है? या तो वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, या तो वो ऐसा इंसान है जिसने अपनी सॉफ्ट स्किल्स में मास्टर्स कर रखी है। जी हाँ, सो आज हम बात करेंगे उन सॉफ्ट स्किल्स की जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, बट वो हमारी करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, करियर में ग्रो करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हार्ड स्किल्स जैसे मैथमेटिक्स, राइटिंग, ये सब चीज़ें हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है और टाइम टू टाइम हम उसमें इम्प्रूव करते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स हमें कहीं नहीं सिखाई जाती। वो हम सीखते हैं हमारे एक्सपीरियंस से, लोगों से। ऊप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। आपको हार्ड स्किल्स चाहिए एक जॉब पाने के लिए, लेकिन एक करियर में ग्रो करने के लिए, अपनी जॉब में ग्रो करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। सो पहली सॉफ्ट स्किल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टीम वर्क। आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको टीम में काम करना नहीं आता तो आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। एक सेइंग है कि इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फार वॉक टूगेदर। जी, अगर आपको जल्दी कहीं पहुंचना है तो अकेले जाइए, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक पहुंचना है तो सबको साथ लेके चलिए। सो टीम वर्क आपकी ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इसलिए हमेशा अपनी टीम के साथ काम करें और उनको भी अपने साथ आगे आगे लेके चलें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लीडरशिप। बोला जाता है लीडर्स आर बॉर्न, बट दैट्स नॉट ट्रू एग्जैक्टली। जो भी लीडर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ लीडर बनते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, लर्न करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके हम एक अच्छे लीडर बन पाते हैं। सो नहीं, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड तब वो अच्छे लीडर बनते हैं। एक अच्छे लीडर पर सब रिलाई करते हैं। लीडरशिप के साथ साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ज़्यादा पर्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपके ऊपर पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है, आपके पास काम ज़्यादा होता है, बट इस रोल में आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है। आप ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं जो बाद में जाके आपको काम आएंगी। बाद में जाके आप सेम सिचुएशन फेस करेंगे तो आप रेडी रहेंगे और उनको उनका सोल्यूशन निकाल पाएंगे बहुत ईजीली। सो लीडरशिप आपके लिए खुद एक बहुत प्रॉफिटेबल रोल है जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अडैप्टेबिलिटी। हम जब भी नए ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो हम अपने पुराने ऑफिस के हिसाब से अपने नए ऑफिस में एक्ट नहीं कर सकते। हम पुराने ऑफिस में ऐसे थे तो अब यहाँ पर भी हम ऐसे रहेंगे, नहीं। कंपनी जब भी हायर करती है किसी को, ये ध्यान रखती है कि वो इंसान उस कंपनी के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडैप्ट करे। अडैप्टिविटी मतलब होता है आप फ्लेक्सिबल रहें, आप ओपन माइंडेड रहें, लोगों के ओपिनियन सुने, उनके कंसर्न सुने और अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करें। जब भी आप अडैप्टेबल होते हैं तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करते हैं उस एनवायरनमेंट में, आप डेवलप हो जाते हैं और वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, वो है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में इंसान वो माइनर डिटेल्स नोटिस कर लेता है जो कोई और नोटिस नहीं कर पाता है, एंड बहुत बड़े ब्लंडर्स होने से बचा देता है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल थिंकिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्रिटिकल थिंकिंग में आप
कुछ चीज़ को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आप सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को देख रहे हैं, क्या हो रहा है देख रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके आप पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है और इससे आगे जा के हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो ये आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक ऑफिस में हर टाइप के लोग होते हैं, सो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आपके किसी पॉइंट्स में डिसएग्रीमेंट है, आपका वर्किंग स्टाइल मैच नहीं कर रहा है। सो अ गुड लीडर और अ पर्सन विद गुड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स वो हेल्प करता है उन लोगों की, एंड दैट प्रोसेस हेल्प्स कि ऑफिस का जो टेंशन है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए, एनवायरनमेंट लाइट हो जाए, एंड बाद में जाके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करें और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हम दोनों पार्टीज़ की बात मोस्टली सुनते हैं एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि हम ऐसा कर सकते हैं और ताकि प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। द नेक्स्ट पॉइंट आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सिर्फ आपको ऑफिस में नहीं, अपने घर में भी, अपने डेली लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड जब आपका होता है तो आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी आप धीरे 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 उसको पॉजिटिव करने लग जाते हैं। लोग आपसे इम्प्रेस रहते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, आप पे रिलाय करते हैं, आपके पास सोल्यूशंस के लिए आते हैं, बिकॉज उनको मालूम है चाहे कुछ भी हो, दिस पर्सन विल गिव मी अ पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ समथिंग। सो डजंट मैटर अगर आपकी हार्ड स्किल्स है, आपको कितनी भी अच्छी जॉब मिली हो, कितनी बड़ी पोस्ट में आप हो, लेकिन आपके अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं है और आपने सॉफ्ट स्किल्स में मास्टर्स नहीं करा है, तो आप उस पोस्ट से और आगे जाके ग्रो नहीं कर पाएंगे एंड लोग आप पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप पे रिलाय नहीं कर पाएंगे एंड आप इतने बड़े ऑफिस में अकेले इंसान हो जाएंगे जो सिर्फ खुद से बात करेंगे। थैंक यू।